गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास फर्स्ट का जो 5 चैप्टर था काइंड्स ऑफ हाउस, उसका हमने कल हाउस के बारे में जाना था। काइंड्स ऑफ हाउस में हमने कल सिर्फ कच्चा हाउस के बारे में पढ़ा था। तो हमारा आज का वीडियो जो है वो पक्का हाउस, हाउस बोट और कारावैनी, 3 टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं पक्का हाउस के बारे में। ए हाउस विच इज़ मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन इज कॉल्ड ए पक्का हाउस। जो घर ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहे से, इन सारी चीज़ों से बने होते हैं, ऐसे घरों को हम कैसे घर बोलते हैं? पक्का हाउस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते होगे ना, जैसे आपके घर की बिल्डिंग है, उसमें सीमेंट, ईंटों का, बदरपुर का, इन सारी चीज़ों का यूज़ हुआ है, लोहा लगा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसा घर है? वो पक्का घर है ना। अभी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो क्या ये गिर जाएगा? नहीं गिरेगा, क्योंकि ये मजबूत है। ठीक है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग हाउस। जो पक्का हाउस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। पक्का हाउस आर फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन। और जो पक्का हाउस होता है वो ज़्यादातर सिटीज़ और टाउन्स में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर मैं कहूँगी तो लगभग विलेजेस में भी पक्के हाउस हमें देखने के लिए मिल ही जाते हैं। कच्चा हाउस तो बहुत कम देखने के लिए मिलता है, जो थोड़ा डेवलप है एरिया उसमें। ठीक है, वरना ज़्यादातर तो पक्का हाउस मिल ही जाता है। ठीक है, लेकिन जो पक्का हाउस होता है, बुक्स के अकॉर्डिंग में देखें तो सिटीज़ और टाउन्स में हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। पक्का हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। और पक्का हाउस किससे बना होता है? जो सीमेंट, लोहे और ईंटों से बना हुआ जो घर होता है, वो इस तरह का घर कैसा घर होता है? पक्का हाउस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाउस बोट। जो हाउस बोट होता है, सॉरी, हाउस बोट इज़ ए फ्लोटिंग हाउस। फ्लोटिंग हाउस आर मूव ऑन लेक, सच हाउस आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। देखो, जो हाउस बोट होता है ये फ्लोटिंग हाउस होता है, मतलब तैरने वाला घर होता है। ठीक है, और जो फ्लोटिंग हाउस होता है ये कहाँ पे मूव करता है? लैक, लैक मतलब झीलों पे, है ना। जो झील होती है उन पे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तैर के मूव करता है उस पर, झीलों पे। ठीक है, सच हाउसेज आर फाउंड। और इस तरह के घर ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? कश्मीर और केरला में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत झीलें हैं। ठीक है, तो झीलों पे इस तरह के जो हाउसेज होते हैं वो होते हैं, मतलब उस तरह के जो हाउसेज हैं वो मूव करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा कारावैन। तो ये कारावैन इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो इट इज़ ए मूवेबल हाउस। जो कारावैन होता है वो जो पहियों वाला, ऐसा बोल सकते हैं, जो पहियों वाला जो घर होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, है ना, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग बहुत इजीली मूव कर लेते हैं उसको, किसके? व्हील्स के माध्यम से। जो इस तरह का घर होता है वो कैसा होता है? कारावैन होते हैं। ठीक है, जो कारावैन जो होती हैं वो पहियों पे चलने वाला एक घर होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह हम उसको मूव करके ले जा सकते हैं। और इस तरह के घरों को हम मूवेबल हाउस कहते हैं, मूवेबल हाउस कहते हैं। क्लियर? देखिए एक एग्जांपल दूँ, देखा होगा आपने टीवीज़ में जो बॉलीवुड जो एक्टर वगैरह होते हैं, इनकी जो बस होती है, ठीक है, उसमें आपने कैसा देखा होगा, पूरा एकदम सेटअप लगा होता है ना, मेकअप, बेडरूम टाइप का, इस तरह से पूरा एकदम सेटअप होता है। उस गाड़ी में ही वॉशरूम वगैरह सब कुछ पूरा फिक्स सेटअप होता है उसमें। तो इस तरह का जो वो किस पे चलता है, वो व्हील पे चलता है, तो वो भी कैसा है? मूवेबल हाउस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? पक्का हाउस के बारे में पढ़ा, हाउस बोट के बारे में पढ़ा, कारावैन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जो ये इस तरह के जो हाउसेज होते हैं, जो पक्के, हमने क्या देखा? पक्का हाउस कौन सा होता है? जो ईंट, सीमेंट और आयरन से बना होता है उसको पक्का हाउस कहते हैं। ये बहुत स्ट्रांग होता है और ये ज़्यादातर सिटीज़ और टाउन में देखा जाता है। फिर हमने हाउस बोट के बारे में जाना कि जो हाउस बोट होता है ये फ्लोटिंग हाउस होता है और ये लेक्स पे मूव करता है, और इस तरह के घर केरला और कश्मीर में देखे जाते हैं, हमने ये जाना। फिर हमने ये जाना कि कारावैन जो होता है वो एक व्हील पे चलने वाला हाउस होता है, व्हील्स पे सेटअप होता है उस तरह के घर का, और इससे हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली मूव करते हैं, एक प्लेस से अनदर प्लेस पे। ठीक है, और जो इस तरह का जो घर होता है उसको हम मूवेबल हाउस
कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंट और रूफ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। आप घर पे इसको बहुत केयरफुली रीड करेंगे, जैसे कि मैं एक बार देख लेती हूँ कि जो जो वर्ड आपको, जैसे हाउस हो गया, पक्का हाउस हो गया, कॉल्ड हो गया, आयरन, सीमेंट, ब्रिक्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, सिटीज, टाउन्स, फाउंड, ठीक है, हाउस बोट, फ्लोटिंग, लैक, फ्लोटिंग हाउस, ठीक है, कश्मीर, केरला, ठीक है, कारावैन में देखते हैं हम लोग, कारावैन, व्हील्स, कैन, फ्रॉम, प्लेस, एनोदर, मूव, एबल हाउस। तो इस तरीके से ये आपके कुछ हार्ड वर्ड हैं जिनको आप केयरफुली रीड करेंगे। थैंक यू।